मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर देश भर में बवाल मचा है। बीजेपी खड़गे पर हमलावर है। इस बीच मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक ने खड़गे पर पलटवार में भाषा की मर्यादा लांग दी। उन्होंने कहा कि जो खुद कुत्ता होता है वह दूसरों को कुत्ते की तरह ही देखता है। रामेश्वर वर्मा ने कहा कि कांग्रेस जो है जैसे सोनिया गांधी के दरबारी कुत्ते ये बने यहाँ घूमते हैं, वैसे ही उसी दृष्टि से ये देखते हैं। झारखंड के गिरिडीह स्थित समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जैन समाज सड़कों पर उतर आया है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, नर्मदापुरम, खंडवा, बालाघाट के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में भी बंद बुलाया गया है। हालांकि झारखंड सरकार ने अपने फैसले को पलटते हुए सम्मेट शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र के रूप में ही मान्यता दी। खुद राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने ये जानकारी दी। चीन में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी के बीच केंद्र और राज्य सरकार ने भी कोविड अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी जिलों के सीएमएचओ को कोविड के संक्रमण को बढ़ने से पहले नियंत्रित करने, सर्विलांस सैंपल और पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की जीनोम टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि प्रदेश में अभी कोरोना के कुल 7 एक्टिव मरीज है जो भोपाल और खंडवा में होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हैं। एक एक्टिव मरीज इंदौर में है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा हाल ही में नागदा में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से सीता माता पर कही बात के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर मंत्री यादव पर निशाना साधा, तो वहीं उज्जैन में कांग्रेस व NSUI के कार्यकर्ताओं ने मंत्री मोहन यादव का पुतला फूंक दिया। शहर के टावर चौक पर प्रदर्शन करते हुए शासन ने मंत्री को हटाने की मांग की। प्रदेश भर के 800 से अधिक पंडे पुजारियों ने उज्जैन की शिप्रा नदी के नामघाट से महाकाल तक त्राहिमाम यात्रा निकाली। पुजारियों ने मठ मंदिरों के सरकारीकरण का विरोध करते हुए अपनी अन्य मांगे रखी। यात्रा में बड़ी संख्या में पंडे पुजारी शामिल हुए। पुजारियों ने बताया कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो जल्द ही भोपाल में बड़ा आंदोलन होगा, और जब हम सरकार बदलने की क्षमता रखते हैं तो आने वाले चुनाव में भी सरकार को हमारी ताकत दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों का नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबाना ना भूलें।